ओम नमः शिवाय। विधवा स्त्री की चार ज्ञान की बातें, यदि आपने ठीक से समझ लिया तो गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना और कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह कहानी सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। इस माँ की चार ज्ञान की बातें यदि आपने भी जान लिया तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। संतोष के परिवार में संतोष और उसकी पत्नी सिर्फ दो ही सदस्य रहा करते थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा किसी तरह से कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। इसी तरह से दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, यह सुनकर के संतोष बहुत प्रसन्न होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे, पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था उससे वह बिल्कुल बेखबर था। इसी तरह से समय बीतता गया और उस गरीब के घर में एक दिन वह आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी कुछ पैसों की व्यवस्था करके चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है, उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में कोई और तो था नहीं, सिर्फ उसका पति ही था। वह भी उसे छोड़ करके चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ डाल दिया है। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया, अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी मनाए या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे बहुत समझाया कि बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरह से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देख करके उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस करके बड़ा करूंगी और यही मेरे जीवन का सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा किसकी मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। जब वह अपने बच्चे को लेकर के बिल्कुल अकेली पड़ गई तो वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, खुद कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश करती है और काम करके जो भी पैसे उसे मिलते थे उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। दोस्तों, समय बीतता गया और समय के साथ उसका बेटा जो था वह बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 साल का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के एक सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करवा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब इस प्रकार से वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। जब उसका बेटा ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है, परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसलिए वह पढ़ाई में खूब मन लगाता था और धीरे धीरे उस बच्चे की उम्र समय के साथ साथ 12 साल की हो जाती है। एक दिन की बात है कि वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने के कारण वह ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी और काम पर जाती नहीं थी। घर में उसके इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना सही से इलाज करवा लेती। माँ को इस तरह से ज्यादा बीमार देख करके बेटे को बड़ी चिंता होती है। वह बालक कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर के आता हूँ।
तुम उस दवाई को खा लेना, फिर से तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। कहने लगती है कि बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ चुका है, मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीनी होगी। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, यदि मैं चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बन करके अपने जीवन को जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ को मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा कि माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर के आता हूँ। और इतना कह करके वह लड़का माँ से रुपये लेकर के दवा लेने के लिए चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर के उस स्त्री को उसके बेटे के हाथों से अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन में रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो कहां जाए, करे भी तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी लगभग उस बेटे को पहचानना भूल चुका था, उस बालक पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर निकल पड़ता है। उसने कभी हार नहीं मानी, जो पैसे माँ छोड़ करके गई थी कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं, घर में भी कुछ नहीं था, अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा कर ले, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह से याद थी। उसने माँ से कहा था कि बेटा, जितना भी बुरा यह वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपने जीवन को जीना और अपना पेट भरना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने के लिए चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर जाकर के काम कर लेता और वहां से जो भी कुछ उसे पैसे मिलते उन्हीं पैसों से वह अपना खर्चा चलाता और अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री को खरीद लाता था। इस तरह से छोटी सी उम्र में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और दूसरों की मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं, बच्चा अब अपने नगर से निकल करके कस्बे में पढ़ने लगता है। जब उसकी कापी किताबों का विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई अस्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने के लिए चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़ करके घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन इसी तरह से बीत गया। थका हारा शाम को जब घर आया तो घर आकर के सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता, जो पैसे थे उससे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाए और रोज खाए। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट ही रहना पड़ा, केवल पानी पीकर के सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला लेकिन आज हो सकता है कोई काम मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला, आज उसे फिर से भूखा सोना पड़ा। अब उसे ज्यादा बेचैन भूख कर रही थी तो एक बार उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा ही भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग करके खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भीख मांग करके मत खाना, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, हमेशा खाना तो अपनी मेहनत का खाना। दोस्तों, वह लड़का बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा।
अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो जो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह लेता। कुछ बड़ा होता तो दो चार दिन काट भी लेता। अब आज विद्यालय भी नहीं गया, सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर लग जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उसे चला भी नहीं जा रहा था, एक कदम नहीं चल पा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगता है, अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर नकार देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता है, पर मदद मांगना तो वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने विचार किया, मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं पैसे लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से निकलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर के उस द्वार को खटखटाता है, तब घर के अंदर से एक बूढ़ी महिला निकलती है। महिला ने द्वार खोला तो देखा एक 10-12 साल का लड़का, बड़ा ही उदास मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया है, क्या कुछ काम है। लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी कौन सी मदद कर सकती हूँ। वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में आया कि चलो इन माँ जी से मैं अपनी कहानी कह देता हूँ। मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और न तो भोजन मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ठीक से चला भी नहीं जाता है। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक दिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा कि माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या आप एक गिलास पानी मुझे पिला सकती हैं। लेकिन वह महिला बड़ी समझदार थी, उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि यह बालक बहुत भूखा है। वह कहती है कि बेटा तुम थोड़ी देर पर यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई में से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर के आती है और दूध से भरा हुआ गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देख करके लड़का बड़ा प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा कि बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब उसे पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ ही उसे यह दूध पीने के लिए दे रही है। मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठ करके लड्डू खाता है और दूध पीता है। जब वह स्त्री कहती है कि बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है कि माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ। उस महिला ने कहा कि बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया कि ताकि तुम उसके बदले में मुझे कुछ दे सको। बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से जरूर कुछ दूंगा। लड़के की बात सुन करके महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है, वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है। तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिला करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, फिर भी अब तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी कभी किसी की मदद करने के लायक जब हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से उद्धार हो जाओगे और उसी दिन यह एहसान मेरा दूर हो जाएगा। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी कि ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बिठा लेता है और वह महिला के पैर छू करके काम की तलाश में आगे के लिए निकल जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह लड़का पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का भी बेटा पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था।
एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के जो अध्यापक थे उनसे जाकर के पूछती है कि वह बालक कौन है, तो अध्यापक कहता है कि उसे बताता है कि उस बालक का नाम रमेश है और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी उम्र में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जान करके उस महिला को बड़ा दुख होता है। वह सोचती है कि जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता। जब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी रमेश बहुत ही अच्छा बच्चा है, अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है, वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर के विद्यालय की फीस भरता है, जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को रमेश की स्थिति के बारे में पता चलता है तो उसका दिल करुणा से भर जाता है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं, जिसका कोई नहीं होता तो ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान खुश होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को खुश कर दिया है। उस महिला ने सोचा कि यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा कि श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अध्यापक ने कहा कि बहन जी आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप उसकी फीस भरे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रमेश इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। तब वह महिला कहती है कि मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता हूँ, आप किसी तरह से रमेश को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यापक जी की इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला रमेश के पूरे साल की फीस भर देती है और अपने घर चली जाती है। इस तरह से हर साल उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि रमेश सिर्फ मन लगा करके पढ़ सके। अब तो रमेश पूरा मन लगा करके पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उस महिला के जरा से प्रयास से रमेश की अच्छी खासी मदद हो गई थी। अब वह खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह से कुछ साल और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए रमेश को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रह करके मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को जब चलता है तब वह उसकी फीस के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब रमेश की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं कि बहन जी, रमेश तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी इतनी ही मदद करने का समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे उसे खुश रखना। इस प्रकार से वह स्त्री अपने घर को लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में फिर से व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर रमेश शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी की तलाश कर ली। इस प्रकार से 26 साल बीत जाते हैं। न तो रमेश कभी उस महिला से मिल पाता है और न ही वह महिला कभी रमेश से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। उसका बेटा एक बड़ा ही व्यापारी बन चुका था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके सारा धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था, वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा अपने घर पर आता है तो अपने माँ की हालत को देख करके बड़ा बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करना। डॉक्टर कहते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर के अस्पताल में जाकर के अपनी माँ को इलाज करवाना पड़ेगा और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से मुक्त हो सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इतना सुनकर के लड़का बड़ा बेचैन हो जाता है। जब वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर के अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगी, इतना पैसा कहाँ है, हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहीं से डॉक्टर साहब से कोई दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब वह लड़का कहता है कि माँ जी, इस दुनिया में तुम ही हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।
कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लूंगा, लेकिन माँ तो फिर से नहीं मिल सकती। इस प्रकार से वह लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर के चला जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। दो लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार से वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे से शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते, वह दवाइयाँ बड़ी महंगी होती। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाई खरीद कर लाता। उधर उसका व्यापार जो था वह अपनी माँ की देख रेख के कारण उसमें समय नहीं दे पाया, वह भी धीरे धीरे कम पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा, धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो भी जमा पूंजी थी वह सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो, कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से दवाइयों का खर्चा उठाओगे, तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा इलाज, अपना मकान दुकान सब कुछ बेच कर कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है और वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है। धीरे धीरे एक महीना व्यतीत हो जाता है। वहां पर एक बात और ही विचित्र थी, उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता तो काफी देर उस माँ के पास बैठ करके बातें किया करता था। यह देख करके माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह हमेशा अपने मन में सोचा करती थी कि बड़ा अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर के भी जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। इस तरह से कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अब मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, मैं भी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार जांच करा करके देख लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने पर तुम फिर अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। दो दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर के बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बड़ा धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब जल्द ही अपने घर को हम चलने वाले हैं। यह बात सुनकर के माँ भी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोच करके बड़ी उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा, कैसे मेरा बेटा इसको चुका पाएगा, इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा, उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब तो मेरे इलाज में खर्च हो चुका है। माँ को उदास देख करके बेटा समझ जाता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो, मैं अपना सब कुछ बेच करके आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वो माँ रात भर यही विचार करती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात बीत जाती है। अगला दिन होता है, उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल से एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर के माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुका करके अपनी माँ को अपने घर ले जाओ।
बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो वहां से चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए सोच रहा था कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देख करके माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोल कर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोल करके देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान आज के 25 साल पहले कर दिया है। जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खाने के लिए दिया था, अगले 5 साल तक उस बच्चे के विद्यालय की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब उस माँ का बेटा पूछता है कि माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को दिखा देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह हैरान हो जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है कि बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इनसे 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है कि बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में तपती हुई धूप में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था, उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए दूध और लड्डू ला करके मैंने उसे खाने को दे दिया। वह कई दिनों से भूखा था, उसने दूध तो पी लिया पर मुझसे कहने लगा कि माँ, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने के लायक जब भगवान तुम्हें बना दे, तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, आज वह 25 साल के बाद इतना बड़ा डॉक्टर बन करके मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर के कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह ऋण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उसके पीछे खड़े होकर के उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़ करके उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं कि माँ जी, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत दुख देखा है जीवन में, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बड़ा कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, यह आप ही की देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी माँ मान लिया था, जिस दिन आपने ममता भरी छांव में बैठकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे और माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठा करके अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और उस माँ की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो वह देख करके हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, यह चार बातें जो भी व्यक्ति ठीक से समझ लेता है वह कभी जीवन में गरीब नहीं रहता। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोच समझ करके स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में जो कुछ होने वाला है अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उस अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह से अगर जीवन में कुछ अंधेरा भी हो जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटा करके सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो फकीर को राजा बना सकता है, भटके को सही मार्ग दिखा सकता है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद किसी की जीवन बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान बन सकता है। मुसीबत में पड़े तो कभी घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान सैकड़ों द्वार खोल देते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव होता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएं, परंतु उसे कभी मांग करके नहीं खाना चाहिए। भीख मांग कर खाने वाला अपनी ही नजरों में स्वयं गिर जाता है और जब वह भीख मांग करके खाता है तो उसकी आदत भी हो जाती है।
बिना मेहनत किए खाने के लिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बन सकता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करिए, लेकिन अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत न हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखते हो। आत्म सम्मान आपकी आवाज है, इसे हमेशा बुलंद रखो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद पर ध्यान दो और खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्म सम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह कभी किसी और से प्यार करने के लायक नहीं होता। इसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी कदर नहीं करता है और आपकी इज्जत नहीं करता है। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्म सम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। अधिकतर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पश्चाताप करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है और इस माँ की चार ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कहानी या वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे।